इसकी रिलायबिलिटी और जो इंजन है ना मारुति का, इतना रिफाइंड है, इतना बढ़िया इंजन मिलता है ना। और स्पेशली आप ऐसे जगहों पे रहते हो भाई जहाँ पर, ये गाड़ी ना मेरे को सबसे परफेक्ट प्रोपोर्शनेट गाड़ी लगती है, अगर हम सब कॉम्पैक्ट 4 मीटर वाली लेंथ में। अगर आपका माइलेज एक बहुत ज़रूरी कंसर्न है और आपको पेट्रोल गाड़ी ही चाहिए सेगमेंट में, तो भाई इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द वीडियो। भाई आज हमारे सामने खड़ी है मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली ब्रेजा। भाई ये गाड़ी 2016 से आ रही है और भाई इसका बहुत सारे फेसलिफ्ट आए हैं, पर भाई ये जनरेशन चेंज हुआ है इस बार, और हमारी इस बार बिल्कुल ऑनलाइन ऑल न्यू डिज़ाइन में आ चुकी है। अगर मैं आपको बता दूँ, आज हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी में, इज इट वर्थ बाइंग मारुति सुजुकी ब्रेजा। और ये हमारे साथ जुड़ा हुआ है भाई ZX5 वेरियंट, और भाई ये ऑन रोड कॉस्ट करता है 12 से 13 लाख, डिपेंड करता है किस किस रीजन में। तो भाई आज हम बात करेंगे इस गाड़ी के पॉजिटिव नेगेटिव। आप ये गाड़ी लेने जाओगे तो आपको हर चीज़ पता चल जाएगी कि इस गाड़ी में क्या है और क्या नहीं। तो भाई वीडियो करते हैं स्टार्ट, होप करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगने वाली है, चलो चलते हैं। भाई सबसे पहले आपको गाड़ी की चाबी दिखाता हूँ, ये ऐसी सी कुछ चाबी मिलती है भाई, बिल्कुल सिंपल सी चाबी है, बस लॉक अनलॉक आपको इसमें मिलेगा। आपकी मारुति की हर रेंज में आपको सेम ही चाबी मिलती है, चाहे आप ग्रैंड विटारा ले लो चाहे बलिनो ले लो। तो भाई इसमें आपका लॉक और अनलॉक का फंक्शन आ जाता है। अभी गाड़ी का इग्निशन ऑन है इसलिए वर्क नहीं कर रहा। अगर हम वॉक अराउंड से स्टार्ट करें, सबसे पहले भाई हमारे यहाँ LED सेटअप आ जाता है पूरा, लो बीम के लिए प्रोजेक्टर, हाई बीम के लिए प्रोजेक्टर आप देख सकते हो, और बाकी यहाँ DRLs भी आ जाते हैं। भाई बहुत सुंदर लगती है सामने से इसके जो हेडलाइट्स है ना, और गाड़ी का ओवरऑल डिज़ाइन भी अगर आप देखोगे ना, हर जगह से बहुत बढ़िया लगता है। इसके साथ ये फॉग लाइट्स लगवाई गई हैं और ऐसी कुछ ग्रिल आती है। अब हम इसके साइड प्रोफाइल में आ जाएँ, भाई कुछ ऐसा सा इसका साइड प्रोफाइल है। ZX5 वेरियंट में भाई आपको यहाँ पर अलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं, और इसकी अगर प्रोफाइल बताऊँ मैं, 215/60R16, 215 आपको इसकी चौड़ाई मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी है। और इसी के साथ ऑटो एडजस्टेबल ORVMs आ जाते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर आ जाता है 3 साइड, पैसेंजर ड्राइवर और इसी के साथ आपके बूट के लिए भी। बैक प्रोफाइल देखोगे यहाँ भी आपको LED टेल लाइट्स मिलती हैं, इसके साथ यहाँ पर हमारे इंडिकेटर्स और बैक लाइट्स भी इसी में ही आ जाती हैं। गाड़ी ना बहुत प्यारी लगती है अगर आप हर तरफ से देखोगे ना। इसके साथ यहाँ हमारी ब्रेजा का भी लोगो आ जाता है, लोगो तो नहीं मतलब बैजिंग आ जाती है, यहाँ मारुति का बैज। इसी के साथ अगर आपको ऊपर दिखाऊँ भाई, आपको इस गाड़ी में सनरूफ भी मिल जाता है और शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है विद आपका हाई स्टॉप लैंप और स्पॉइलर के साथ, और यहाँ हमारे वाइपर्स आ जाते हैं विद डिफॉगर्स। अब हम गाड़ी का बूट दिखाएं आपको, भाई कुछ ऐसा सा इसमें आपको बूट मिलता है, देख सकते हो आप, एग्जैक्ट फिगर वाइज भी मैंने मेंशन कर दिया होगा। इसी के साथ यहाँ आपका स्पेयर टायर भी आ जाता है जो कि भाई हमारा एग्जैक्ट सेम साइज में मिलता है, 215/60R16, भाई देख सकते हो आप, पूरा आपको सेम साइज का इसमें अलॉय रिम मिलता है पूरा जो व्हील है, जो कि बहुत अच्छी बात है यार, क्योंकि कंपनीज मैक्सिमम यहाँ पर कॉस्ट कटिंग कर देती हैं। इसी के साथ अगर आपको इन रियल बताऊँ, बहुत अच्छी स्पेस मिलती है यहाँ पर अगर हम सेगमेंट में देखें। चलो अब थोड़ी सी अंदर की भी स्पेस दिखाता हूँ आपको गाड़ी में। भाई अगर एक बात बता दूँ, ये गाड़ी ना मेरे को सबसे परफेक्ट प्रोपोर्शनट गाड़ी लगती है अगर हम सब कॉम्पैक्ट 4 मीटर वाली लेंथ में लें। और भाई उसी के साथ बूट तो बढ़िया मिलता ही मिलता है, और भाई स्पेस भी बहुत अच्छी मिल जाती है। ये देख लो भाई, 5 फुट 9 इंच की मेरी हाइट है, सामने वाली सीट उसी हिसाब से एडजस्टेड है, और भाई अंडर थाई सपोर्ट भी देखोगे ना इतना बढ़िया है, और लेग रूम तो भाई बढ़िया है, 6 फुट के लिए भाई पूरा पूरा रहने वाला है, और हेड रूम भाई देख लो कितना अच्छा है, मतलब इतना बढ़िया स्पेस एडजस्ट करी है ना। इसी के साथ आपको यहाँ आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, और भाई ये लेदर की सीट एसेसरीज हैं, और क्लैडिंग वगैरह भी हमारी इसमें एसेसरीज है, यहाँ हमारे विंडोज़ के कंट्रोल, यहाँ फैब्रिक फिनिश आ जाती है, और कुछ ऐसा सा इसका डोर ट्रिम लगता है, और नीचे स्पीकर भी हैं, वाटर होल्डर भी है। इसी के साथ भाई हमारे यहाँ AC भी है, रियर AC मिल जाता है, और भाई 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाता है, और कुछ सनरूफ ऐसा सा दिखता है। चलो अब आगे चलते हैं। भाई आगे जाने से पहले ये देख लो, सबसे पहले यहाँ का ड्राइवर साइड का डोर ट्रिम कुछ ऐसा लगता है, फैब्रिक फिनिश है, लॉक अनलॉक हर जगह मिल ही जाता है, और ये ORVMs की एडजस्टमेंट के लिए भी आ जाता है, हालांकि चाबी से भाई ये नहीं खुलते हैं, तो वही है। और भाई कुछ लोगों को होता है भाई डोर थर्ड सुनाओ, वो डिसेंट मिलता है। और इसी के साथ भाई अगर आप देखोगे, कुछ ऐसा सा इसका डैशबोर्ड है जो कि काफ़ी डिसेंट लगता है अगर आप सभी एंगल से देखो,
यहाँ थोड़ी अच्छी फिनिश मिल जाती है, ब्राउन यहाँ सिल्वर मिल जाता है, यहाँ पूरे पे आपका डैशबोर्ड ऐसा मिलता है। और अगर हम गाड़ी को ऑन करें ZXi में, हमें यहाँ पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है और आप देख सकते हो फिर से दबाएंगे तो इग्निशन प्रॉपरली ऑन हो जाएगा, यहाँ मारुति का लोगो आ जाता है। इसी के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल, फॉग लाइट्स का बटन, ये तो ऑप्शनल है एक्सेसरीज में इसलिए है, वरना आपको यहीं मिल जाएगा इनबिल्ट। इसी के साथ हमारा हेडलाइट लेवलर और ऑटो स्टार्ट स्टॉप, जो हेडलाइट जो हमारी रेड लाइट्स पे गाड़ी ऑन ऑफ हो जाती है। इसी के साथ भाई कुछ ऐसी सी लुक आती है गाड़ी में, देख सकते हो भाई कुछ ऐसा सा आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, और आप यहाँ इस डंडी से कंट्रोल कर सकते हो। यार इन्हें बटन्स दे देने चाहिए, यहाँ अभी भी डंडी सी देते हैं, और यहाँ पर आपकी रीसेट वगैरह, मतलब इन दोनों से आप इसे कर सकते हो, स्पीड मार्किंग्स देख सकते हो, इंफोटेनमेंट भी आपको डिसेंट मिलता है, टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, बस आपको थोड़ा यूआई इतना कुछ खास नहीं लगेगा, बाकी सब बढ़िया है। यहाँ आपका मैनुअली एडजस्टेबल RVMs आ जाते हैं, यहाँ पर आपके सनब्लाइंड आ जाते हैं, या सनब्लाइंड विद लाइट आ जाता है, ऐसे लाइट भी ऑन कर सकते हो, वही है। बाकी यहाँ हमारी सनरूफ आ जाता है, आपको थोड़ी देर होल्ड करके रखना है, फिर ये ऑटोमेटिकली पीछे चल जाएगा। और यहाँ ब्लू टिंट दे रखा है भाई, जिससे बाहर की लाइट भी कम आएगी। इसी के साथ भाई यहाँ हमारा सनग्लास होल्डर भी आ जाता है। ये तो भाई सबको पता ही है, अगर आप गाड़ी परचेज भी करने जाओगे आप खुद भी देख सकते हो ये सब, पर भाई मेरा काम है आपको इसके फायदे और नुकसान गिनवाना, प्रोज और ड्रॉबैक्स, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मैं इसे नहीं बोल सकता, क्योंकि भाई बंदे को गाड़ी लेकर नई नेगेटिव पता चलते हैं, हर बंदे के लिए नया एक्सपीरियंस होता है। तो मैं आपको स्टार्टिंग के इसके प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ, जो कि भाई आपको पता होने चाहिए। पहली जो चीज़ भाई जो उसके प्रो में चली जाती है भाई, उससे पहले ही मैंने एक ड्रॉबैक नोटिस किया, ये देखो भाई ये चीज़ इसकी इस पर एडजस्टेड है, ये पूरी चीज़ ऐसे हिल रही है, मतलब ये देखो, और ऐसा लग रहा है भाई ये टूट जाएगा अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया पूरा, ये ना ऐसा लग रहा है शायद लूज़ पड़ा है क्या है, पर ये पूरा हिल रहा है। बाकी अगर मैं आपको इंजन दिखाऊं, ये हमारा आ जाता है 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेट इंजन, प्रोड्यूस करता है 104 BHP विद 136 Nm के टॉर्क के साथ। भाई इंजन दिखाना पॉजिटिव में इसलिए चले जाता है क्योंकि भाई इसकी रिलायबिलिटी और जो इंजन है ना मारुति का, इतना रिफाइंड है, इतना बढ़िया इंजन मिलता है ना, और स्पेशली आप ऐसे जगहों पर रहते हो भाई जहाँ पर सर्विस सेंटर्स डीलरशिप्स वगैरह काफ़ी दूर दूर है, और भाई मतलब परेशानी होती है, तो भाई आप ऐसी गाड़ी को ज़रूर प्रेफर कर सकते हो जो कि भाई मारुति की है, और कोई भी नॉर्मल मैकेनिक इसको रिपेयर कर सकता है भाई, क्योंकि इजी टू मेंटेन होती है भाई मारुति की गाड़ी, और रिलायबल होती है भाई, इसलिए भाई जापनीज टेक्नोलॉजी इसलिए जानी भी जाती है, इसलिए भाई इसकी रिलायबिलिटी और स्पेशली इंजन, जो कि भाई बहुत बढ़िया इंजन है, रिफाइंड है और अच्छी पावर डिलीवर करता है, स्मूद है, तो भाई ये इसके वन ऑफ द पॉजिटिव में चले जाता है। भाई अगर मैं इसकी एक और चीज़ इंक्लूड करना चाहूँ वो रहने वाली है भाई इसकी माइलेज। भाई इसकी माइलेज आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है 1500 cc इंजन होने के बावजूद भी, और भाई वो है भाई अभी गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, और भाई 15.1 km की माइलेज शो कर रही है, वो भी हमारी हिली रीजन्स में, तो भाई आप देख सकते हो माइलेज भी भाई इसका वन ऑफ द प्रो है, जो जिस वजह से भाई ये गाड़ी टॉप सेलिंग की लिस्ट में अभी भी बरकरार है। तो भाई आप देख सकते हो भाई अगर आपका माइलेज एक बहुत ज़रूरी कंसर्न है और आपको पेट्रोल गाड़ी ही चाहिए सेगमेंट में, तो भाई इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। भाई अगर मैं इस गाड़ी का आपको ड्रॉबैक दिखाऊं, वो रहने वाले हैं इसके जो मिस आउट है प्रीमियम इंटीरियर से, मतलब आप गाड़ी में बैठते हो तो आपको प्रीमियमनेस की कमी ज़रूर लगती है भाई गाड़ी में, जबकि मतलब जो टच एंड फील है वो भी इतनी बढ़िया नहीं है अगर मैं सच बात बताऊं, पर भाई गाड़ी इजी टू मेंटेन है, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में भी देखोगे ना तो भाई इस गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मतलब डिस्प्लेज हैं, मतलब आप डैशबोर्ड देखोगे ना तो आपको मतलब इस सेगमेंट में और भी गाड़ियां भाई जिनमें आपको ज़्यादा प्रीमियमनेस फील ज़रूर होगी, पर ये जो आपको इंटीरियर्स प्रोवाइड करती है ना ये लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए है, और भाई जैसे जापनीज टेक्नोलॉजी है रिलायबिलिटी के लिए ज़्यादा फोकस रखते हैं, वैसे ही भाई आपको इसमें इंटीरियर्स मिलते हैं थोड़े डिसेंट लग सकते हैं, पर भाई क्वालिटी इश्यूज़ भी इसमें ज़रूर है। सपोज़ आप अगर इसका पुश स्टार्ट बटन ही देखोगे, इसकी प्लास्टिक क्वालिटी भी कुछ खास नहीं है, जैसे आपने अभी सामने देखा इसका बूट भी काफ़ी हिल रहा था। इसके अलावा भाई थोड़ी बहुत भाई आपको वो फील नहीं मिलेगी, हालांकि भाई गाड़ी इजी टू मेंटेन ज़रूर है। भाई अगर मैं आपको इसका नेक्स्ट पॉजिटिव गिनवाऊँ, वो रहने वाली है भाई गाड़ी की प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब गाड़ी को आप कहीं से भी देख लो ना, एक तो बाहर से अगर आप इसकी लुक देखोगे, चाहे सामने से देखोगे, गाड़ी बहुत सुंदर लगती है और काफ़ी प्रोपोर्शनल डिज़ाइन के साथ आती है। मतलब पीछे से अगर स्पेस वाइज भी देखोगे ना आप, तो
तो भाई बूट स्पेस भी आपको सफिशिएंट मिल जाता है गाड़ी की साइज़ के हिसाब से। और वहीं यहाँ की स्पेस भी आपको, रियर सीट कंफर्ट भी, स्पेस भी भाई बहुत बढ़िया मिल जाती है। कई सेगमेंट में है भाई, जैसे एक्सयूवी वगैरह, उसमें आपको बूट कम मिलती है सामने, मतलब वो प्रोपोर्शनेट वाली बात नहीं रहती। तो भाई इस गाड़ी में वो आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है स्पेस का। और भाई गाड़ी की लुक भी अगर आप देखोगे ना, बहुत बढ़िया है। और अगर आपको सेफ्टी रेटिंग्स बताऊँ, वो भाई गाड़ी की जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो कि हमारी चेसी है, वो भाई उसी पे बिल्ट है, तो अभी भी हम 4 स्टार से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और भाई गाड़ी ओवरऑल भी अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड करती है, मतलब बढ़िया है एट द एंड। भाई अगर मैं आपको बताऊँ, यही था मेरा कुछ रिव्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा का। बस जो मिस आउट्स हैं भाई, मैं उसमें रखना चाहूँगा एक भाई फ्रंट आर्मर है, जो कि भाई बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ भाई कूल बॉक्स भी नहीं आता, और तो भाई आपको ज़रूरत के सारे फीचर्स मिल जाते हैं, चाहे वो क्रूज़ कंट्रोल हो, ऑटोमेटिक एसी हो, सनरूफ भी मिल जाता है आपको इसमें, रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं 3-3। तो भाई फीचर्स में तो भाई 1% कमी नहीं है, ज़रूरत के सारे फीचर्स ही मिल जाते हैं आपको। तो भाई यही था मेरा, अगर मैं ZXI का रिव्यू शेयर करना चाहूँ, यही थी भाई मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, जो कि भाई आपको डिपेंड करता है 12 से 13 लाख, डिपेंड करता है आप किस किस रीजन में रहते हो, तो वही आपका प्राइस डिफर कर सकता है। बाकी भाई होप करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी, अच्छी लगी है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू सो मच। भाई इसके स्पीकर्स भी बहुत बढ़िया है भाई, जो मैं एट द एंड बताना चाहूंगा। और इसी के साथ भाई इन्होंने एक चीज मिस कर दी भाई, 6 गियर दे दो यार मारुति वालों, कितना तड़पाओगे लोगों को।